फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.2। पिछले वीडियो तक हमने क्या देखा था, 14.1 हमने फिनिश कर लिया था। तो बिफोर स्टार्ट द एक्सरसाइज हम थोड़े से टॉपिक्स देखते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज में काम आएंगे। तो व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, अभी हम देख लेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फ़ोन है। फ़ोन का शेप क्या है? रेक्टेंगल। ओके, तो अभी रोटेशन का मतलब क्या होता है? घूमना। कोई चीज़ जो कि घूमेगी हम उसको कहते हैं रोटेशन। तो अभी हमें इसी फ़ोन को घुमाना है बट 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में जब मैंने इसको इस फ़ोन को जब ये स्लीपिंग पोजीशन पे है, जब मैंने इसको 90 डिग्री पे ऐसे टर्न कर दिया, तब ये एक स्टैंडिंग पोजीशन में हो गया। ओके, फिर जब मैंने इसको 90 डिग्री फिर से घुमाया, विच इज़ 180 डिग्री, तो फिर क्या हो गया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब भी कोई चीज़ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है बिफोर कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, हम उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे ये अभी यहाँ पे है, तो मैं अभी इसको फिर से 90 डिग्री घुमाऊँगी विच इज़ 270 डिग्रीज, तो ये फिर से एक वर्टिकल पोजीशन में आ गया। जब मैं इसको फिर से एक 90 डिग्री में घुमाऊँगे विच इज़ 360 डिग्रीज, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये ऐसे पोजीशन पे कितनी बार आया, तो इसका आंसर है हमारे पास 2। तो क्या ये एक रोटेशनल सिमेट्री है ये रेक्टेंगल? सो द आंसर इज येस, एंड इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ 2, क्योंकि दो बार ये ऐसे पोजीशन पे आया। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये मैंने पेपर पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ओके, तो अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे मैंने सपोज़ ये मैंने एक पॉइंट अपने कन्वीनियंस के लिए एक पॉइंट बना लिया ए, ठीक है। अभी हम 90 डिग्री पे घुमाते हैं इसको। ओके, तो जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया, दिस इज़ द फर्स्ट पोजिशन। ओके, जब मैंने इसको 90 डिग्री पे घुमाया, तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ए पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे हम अपना पॉइंट मान लेते हैं ए, और साथ ही साथ हमें 90 डिग्री लिखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने 0 डिग्री से शुरू किया था, यहाँ पे 0 डिग्री है। फिर जब हमने 90 डिग्री घुमा दिया, तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया। अब फिर से जब मैं एक 90 डिग्री घुमाऊंगी विच इज़ 180 डिग्री, तो ये पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ द पॉइंट ए। अभी मैं फिर से जब इसको यहाँ पे एक और 90 डिग्री करती हूँ, घुमाती हूँ, तो फिर आ जाता है मेरा 360 डिग्रीज, तो मेरे ओरिजिनल पोजीशन पे ये आ गया। तो क्योंकि यह हमने अपने समझने के लिए बनाया था पॉइंट ए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हुआ 3, क्योंकि ये पॉइंट ए हमें सपोज़ नहीं पता, तो हमारे लिए शेप तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सब जगह इट्स द सेम। तो इसलिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ 3। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे व्हाई ओनली 90 डिग्री, क्यों ना हम इसको 30 डिग्री पे घुमा सकते हैं कि नहीं। तो फिर इसका आंसर भी मेरे पास है, द एंगल ऑफ रोटेशन इज़ 90 डिग्री। एक एंगल, एक रोटेशन का एंगल इज़ 90 डिग्री, इसलिए हम 90 डिग्री घुमाते हैं, तभी हमारा 90 + 90 = 180। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 14.2। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स
have rotational symmetry of order more than one. Okay, तो ये question में कह रहे हैं कि किन किन figures के पास rotational symmetry है of order more than one नहीं होना चाहिए उनका order of symmetry, rotational symmetry. Okay, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा easy है और बहुत मज़ेदार भी है. तो इसका first का A part पहले हम draw करके देख सकते हैं. ये मैंने इसको draw कर लिया है. अब यहाँ पे जब ये ओरिजिनल प्लेस पे था तब ये ऐसा था और यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे कितने लाइन्स हैं, 1, 2, 3 and 4, और ये जो क्रॉस बना है दैट इज़ फॉर सेंटर. यहाँ से आप घुमाएंगे लाइक 90 डिग्री, यहाँ पे यहाँ से घुमा सकते हैं, कहीं से भी नहीं घुमा सकते, यहाँ पे क्रॉस दिया है वहीं से घुमा सकते हैं. तो ये मैंने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, तो इसमें भी हम एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पॉइंट ए. ओके, तो ये पॉइंट ए बना लिया मैंने. 90 डिग्री जब मैंने इसको घुमाया तो पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, राइट, हियर इज़ अ पॉइंट ए. फिर जब मैंने इसको दोबारा 90 डिग्री घुमाया विच इज़ 180 डिग्री, तो मेरा पॉइंट आ गया कहाँ, यहाँ ए. और फिर जब मैंने इसको वापस से एक और बार 90 डिग्री घुमाया विच इज़ 270 डिग्रीज, तो कितना हुआ है ये, यहाँ पे ये यहाँ आ गया ए, दिस इज़ ए एट दिस पोजिशन. और फिर से जब ये फोर्थ टाइम अपने यहाँ पे गया तो ये हो गया कितना डिग्री, 360 डिग्रीज, क्योंकि अगर हम 4 times 90 डिग्री को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 360 डिग्रीज. ओके, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, 4, क्योंकि ये एक प्लस साइन का है और प्लस साइन हमेशा, चाहे आप कैसे भी घुमा लो उसको 90 डिग्री में, आप कैसे भी उसको घुमा लो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए ये प्लस लिया, यहाँ पे मैंने एक प्लस बना दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल विद द पेंस, ये मैंने इसको घुमाया 90 डिग्री, तो ये एक प्लस है. ओके, मैंने जब इसको 90 डिग्री घुमाया तो ये ऐसे आ गया, राइट, तो एक प्लस हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है. तो ये आपके लिए एक और हिंट है. तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, द आंसर इज 4, जस्ट लाइक द ट्राइंगल है, ये एकदम ट्राइंगल के जैसे. बी में क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने भी बना लिया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसका सेंटर है ये, ये एंड ये. ओके, तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया 0 डिग्री से, 0 डिग्री, देन मैंने 90 डिग्री जब घुमाया, सो यहाँ पे हमने ए पॉइंट मान लिया, 90 डिग्री घुमाया यहाँ पे आ गया, फिर मैंने 90 डिग्री घुमाया विच इज़ 180 डिग्रीज, तो यहाँ पे आ गया मेरा ए. और फिर जब मैंने घुमाया देन इट्स ओरिजिनल पोजिशन हो गया ये. तो कितना है, 1, 2, 3, क्योंकि इसमें 3 साइड्स है इसलिए हम इसको 3 टाइम्स ही टर्न करेंगे. तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 3. सी, ये है फिगर सी. ओके, दो डब्बे हैं एट द एंड और यहाँ पे बीच में एक क्रॉस है विच इज़ फॉर सेंटर लोकेशन. तो यहाँ पे मैंने ये सेम टू सेम फिगर ड्रॉ कर ली है. तो दिस इज़ द ओरिजिनल फिगर. तो जब मैं इसको 90 डिग्री पे घुमाती हूँ, टर्न किया मैंने इसको 90 डिग्री पे, तो इसके दोनों डब्बे नीचे आ गए यहाँ. ओके, और फिर जब मैंने इसको 90 डिग्री फिर से घुमाया विच इज़ 180 डिग्रीज़, तो
ये स्टैंडिंग लाइन तो हो गई, बट या इसके जो ये डब्बे हैं जैसे बॉक्सेस, ये लेफ्ट इन साइड पर आ गए जबकि इनको राइट इन साइड पर होना चाहिए था, जैसे ये फिगर बताती है हमें। तो फिर मैंने फिर से इनको कर दिया 90 डिग्री घुमा दिया, विच इज़ 270 डिग्रीज। ओके, तो फिर ये ऐसे आ गए, स्लीपिंग लाइन में आ गए। फिर मुझे फिर से इनको खड़ा करना था स्टैंडिंग लाइन में, तो फिर मैंने फिर से 90 डिग्रीज घुमा दिए, विच इज़ 360 डिग्रीज। तो इसके कितने हुए, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज़ 1, क्योंकि एक ही जगह पे था ये। ओके, सो दिस इज आवर डी फिगर, एच है ये। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है ये। तो हमने स्टार्ट किया फिर से 0 डिग्री से, मैंने 90 डिग्री घुमाया तो एच एक स्लीपिंग एच हो गया। फिर जब मैंने फिर से 90 डिग्री घुमाया, विच इज़ आर 180 डिग्रीज, तो फिर एच सीधा हो गया। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गई इसमें, 2 हो गई। फिर मैंने इसको फिर से स्लीपिंग लाइन कर दिया, फिर से 90 डिग्री घुमा दिया, विच इज़ 270 डिग्रीज। और मैंने इसको फिर से 90 डिग्री घुमा दिया, विच इज़ 360 डिग्रीज। ओके, सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऐसे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया है। ओके, सो लेट्स कम एट ई, दिस इज़ द ई फिगर, ध्यान से इसको देख लीजिए। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अभी मैंने इसको 0 डिग्री से स्टार्ट किया, बट क्योंकि इनमें अंदर लाइन है तो मैं अपने कंफर्ट के लिए यहाँ पे एक मार्क बना लेती हूँ ए, ठीक है। और फिर जब मैंने इसको 90 डिग्री घुमाया तो मेरा ये ए कहाँ आ गया, यहाँ पे, यहाँ। फिर जब मैंने इसको फिर से एक 90 डिग्री घुमाया, विच इज़ 180 डिग्रीज, तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, और ये फिर से चला गया ऊपर, ठीक है, विच इज़ 360 डिग्रीज। ओके, तो अभी क्योंकि ये हमारे कंफर्ट के लिए मैंने बनाया था ये पूरे ए जो है, ये ए पॉइंट्स, और इसमें क्योंकि 3 ही लाइंस थे, तो मैंने इनको 3 टाइम्स ही घुमाया, नहीं तो दिखने में ये सब टाइम्स एक ही थे। ओके, तो इसका कितना हुआ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, इसका हो गया है 3, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 3। दिस इज़ द एफ फिगर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस आल्सो। सो ये इसमें हम ये फिर से एक पॉइंट बी मान लेते हैं इस बार। ओके, तो जब ये फिर से एक 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री पे मैंने इसको टर्न किया, तो ये कहाँ आ गया, बी पॉइंट, यहाँ। फिर मैंने फिर से घुमाया 180 डिग्री, मेरा बी पॉइंट कहाँ आया, यहाँ। फिर मैंने फिर से घुमाया 270 डिग्रीज, तो मेरा कहाँ पे आया, यहाँ। सी, एंड देन मैं जब फिर से मैंने किया तो 360 अपने ओरिजिनल प्लेस पे, बी। ओके, तो क्योंकि इसमें 1 2 3 4 थे लाइंस, इसमें 4 लूप्स थे, इसलिए मैंने 4 टाइम्स किया, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, 4। मिलते हैं विद द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay tuned and bye!